हेलो फ्रेंड्स, बच्चों नमस्ते। आपका फिजिक्स विजन 444 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं एकता अग्रवाल फिजिक्स क्लास की एक लेक्चरर हूँ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस क्लास के अंदर। लेसन नंबर 4th की हम बात कर रहे हैं, 11th क्लास NCERT पैटर्न और हिंदी मीडियम। ठीक है, तो ये तो थी अपने चैनल की विशेष योग्यता, जिसमें हम आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहे हैं उसके बारे में आपको पहले ही सूचित कर दिया है। तब हम बात करते हैं लेसन नंबर 4th। ठीक है, ये पूरी क्लासेस आपकी एक नियम पे आधारित क्लास है, एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित क्लास है। कुछ भी इसके अंदर फेक चीज नहीं पढ़ाई जाएगी और ना ही कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देती तो होती है बुक के अंदर, लेकिन उनको ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया होता है। तो हम बस आपके साथ ये कोशिश करेंगे कि उन पूरी चीजों को एक्सप्लोर करें, आपको जिससे अच्छे से समझ में आए। क्योंकि एक्सप्लोर जब तक नहीं करेंगे तो कुछ टॉपिक अधूरे रह जाएंगे। ऐसे बुक हम सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। रीजन है कि यदि कुछ टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके आगे वाला टॉपिक भी आपको समझने में समस्या उत्पन्न होगी। तो वो उत्पन्न ना हो, इसलिए हम कुछ चीजें अगर RBSC पैटर्न के अकॉर्डिंग हम समझा पाएंगे तो हम उसको जरूर समझाएंगे। और यदि टॉपिक इसके अंदर पूर्णतः कंप्लीट कर रखा होगा तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हम इसी पैटर्न पर ही आपको समझाएंगे। ये सारी बातें बताने का, वीडियो लंबा करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो ऑनलाइन क्लासेस में एक टीचर अपने स्टूडेंट से नहीं कह पाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट के मन में काफी कंफ्यूजन रहता है कि अब क्या करें, ये ऐसा क्यों किया मैम ने, वैसा क्यों नहीं किया, ये क्यों पढ़ाया, अब हम पूछें कि याद करना है नहीं करना है, छोड़ना है, बुक में तो ये है नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस पे स्टॉप लग सके और आप फ्रीली इस वीडियो को देख सके और मुझे भी कोई टेंशन ना हो कि आप क्या कमेंट करेंगे। मुझे भी क्या कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, अरे बच्चे कमेंट काफी अच्छा ही करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है आपका समतल में गति। समतल में गति, अब तक हम बात कर रहे थे एक सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति के लिए मैंने बताया था कि यदि कोई पिंड या तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है या वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है या जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो होती है एक सरल रेखा में गति। अब लेकिन यहाँ आपको बताया गया है एक समतल में गति। आप जानते हो समतल में गति का मतलब क्या होता है, दो चीज आपको लेनी ही पड़ेगी। जैसे कि इधर देखिए, ये आपका एक्स दिशा है, ये वाई है और ये जेड है। आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था वैसे, ठीक है, नहीं भी बताया तो अब बता देंगे आपको कि समतल का मतलब होता है कोई भी आपके पास दो कोऑर्डिनेट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ ये पी पॉइंट, यहाँ पर एक्स है, वाई है और जेड जीरो है। यहाँ मैं देखूँ क्यू पॉइंट, तो यहाँ एक्स जीरो है बट वाई है और जेड है। यहाँ अगर मैं कोई आर पॉइंट लूँ, एक्स है वाई जीरो है और जेड कुछ ना कुछ है। इस टाइप से आपके पास दो कोऑर्डिनेट होने चाहिए तभी वो समतल के अंदर कहलाया जाएगा। अब ऐसा ना हो आप पूछो कि मैम अगर तीन हो तो, बेटा यदि तीन होते हैं तो वो त्रिभुज के अंदर कहलाता है, आकाश आसमान के अंदर कहलाती है वो चीज। ठीक है, तो जब हम समतल की बात कर रहे हैं तो हम दो दो चीजों की ही बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यदि हम तीन चीजों की डायरेक्शन लेते भी हैं तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट आपके क्वेश्चन के हिसाब से जीरो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अदिश राशि व सदिश राशि की। तो मेरे हिसाब से पहले आप इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट से, कोई बात नहीं, जितनी भी चीजें हो सबको नोट करो। नोट्स तो आपके इतने शानदार बनवाए जाएंगे कि देखने वाला कहेगा वाह क्या नोट्स हैं, समझ में ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें नोट्स दे दो और ना ही क्वेश्चन उनके कॉपी से बाहर जाएगा। इसमें आपको टॉपिक दे रखा है अदिश राशि व सदिश राशि। अदिश राशि व सदिश राशि, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोई भी राशि जो होती है वो दो चीज होती है उसके अंदर, पहला होता है परिमाण और दूसरा होता है दिशा। ठीक है, अब यहां अदिश राशि की अगर मैं बात करूं तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और हम सदिश राशि की बात करें
तो सदिश राशि के अंदर परिमाण प्लस दिशा दोनों ही अवेलेबल होती है। तो इस एक तरीके से क्या हो गया, अदिश राशियां वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है। सदिश राशियां कैसी राशियां हो गई, सदिश राशियां ऐसी राशियां हो गई जिनमें परिमाण और दिशा दोनों का ही ज्ञान होता है। तो हेडिंग डाल के ये उतार लीजिए, फिर हम आपको डेफिनेशन लिखाते हैं। डालिए पहली हेडिंग अदिश राशि। वे राशियां जिनमें परिमाण का ज्ञान तो होता है, वे राशियां जिनमें परिमाण का ज्ञान तो होता है लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल लिखिए, क्या हो सकता है एग्जाम्पल, द्रव्यमान, दूरी, विभव इत्यादि, चार भी अदिश राशि है, ठीक है, ये तो आप जानते हो। अगली हेडिंग सदिश राशियां। वे राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों का ही ज्ञान होता है, सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण लिखिए, वेग, विस्थापन, कार्य, बल इत्यादि, बहुत सारी राशियां होती है। फिर अगले टॉपिक की हम बात करते हैं, स्थिति व विस्थापन सदिश। समझ रहा है, हेडिंग डाल दीजिए और फिर उसके बाद बोर्ड पर ही नजर। स्थिति व विस्थापन सदिश। स्थिति और विस्थापन, मैंने आपको वहां दूरी भी समझाई थी, विस्थापन भी समझाया था, अब सदिश लगा दिया है। अदिश से जो अपना कॉन्टेक्ट है वो खत्म हो गया है, अब हम बात करेंगे सिर्फ सदिश राशि की। तो सदिश में क्या कहना चाह रहा है आपसे कि क्यों लगाया है। एक चीज आप नोट कीजिएगा, जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति एक्स दिशा में चलता है तो डायरेक्शन आती है आई कैप। वाई दिशा में चल रहा है, डायरेक्शन आएगी जे कैप। जेड दिशा में यदि चल रहा है तो डायरेक्शन आएगी के कैप। ओके, एक्स दिशा के लिए आई कैप, वाई दिशा के लिए जे कैप और के दिशा के लिए सॉरी जेड दिशा के लिए के कैप, ये फिक्स है, इन्हें कोई नहीं चेंज कर सकता। लेकिन यदि माइनस एक्स दिशा हो जाए तो माइनस आई कैप, माइनस वाई दिशा हो जाएगा तो माइनस जे कैप, माइनस जेड दिशा हो जाएगा तो माइनस के कैप। अब यहां ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी स्थिति है वो किससे दिखाई जाएगी, आपकी इन सदिशों के द्वारा ही दिखाई जाएगी। यदि कोई पार्टिकल एक्स दिशा में चल रहा है, सिर्फ एक्स दिशा में, तो एक्स आई कैप, वाई दिशा में क्या हो जाएगा, वाई जे कैप, जेड दिशा में क्या हो जाएगा, जेड के कैप, ये इसका स्थिति और विस्थापन सदिश है। यदि आई और जे, जैसे ये तो सिर्फ एक्स दिशा में, वाई दिशा, जेड दिशा, यदि आपको इस टाइप से दे दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स वाई दिशा, क्योंकि यहां एक्स और वाई दोनों है। यदि आपको दे दिया वाई जे कैप, जेड के कैप, तो ये हो गई वाई जेड दिशा। यदि आपको आर वेक्टर दे दिया जाता है,
जेड के कैप एक्स आई कैप, तो ये हो गया एक्स जेड दिशा। ओके, तो इस तरीके से अगर मैं देखा जाए त्रिविम के लिए आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये त्रिविम के लिए लिया जाएगा तीन दिशाओं के लिए। अब आपको कोई भी एक शून्य दे सकता है समतल के अंदर, कोई भी एक शून्य दे देगा, जरूरी नहीं है एक्स ही शून्य हो, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी एक शून्य हो सकता है, तब तो वो समतल में गति कर लेगी। तो फॉर्मूला तो अपना यही रहेगा विस्थापन के लिए, ठीक है। स्थिति और विस्थापन सदिश डाल के ये पूरा उतार लीजिए आप, समझने के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से भी। ओके, ज्यादा इसमें आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकली डेरिवेशनल के रूप में ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अब यदि आपको इसका परिमाण चाहिए तो परिमाण क्या होगा, x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको हम विस्थापन सदिश या स्थिति सदिश हम कहते हैं। अब हम अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं, वो टॉपिक आपको बुक में दिया हुआ नहीं है सही इस टॉपिक के बाद, लेकिन हमें वो करना जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमें सबके ऊपर करने हैं और टॉपिक को हम अधूरा नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ हेडिंग डलेगी वेग सदिश, हेडिंग डाल दीजिए वेग सदिश। क्या कह रहा है वेग सदिश, देखिए वेग क्या होता है, v, और v क्या होता है, dx अपॉन dt x दिशा के लिए, यही होता है dx अपॉन dt, y डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा dy अपॉन dt, z डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा dz अपॉन dt, यही होता है। अब देखो v वेक्टर इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी भी हो सकता है, हो सकता है ना, पोजीशन वेक्टर है तो विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन ही तो होता है वेग, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे डी अपॉन डी टी। आर वेक्टर क्या था, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो यहाँ क्या हुआ डी एक्स अपॉन डी टी, आई कैप डी वाई अपॉन डी टी, जे कैप dz अपॉन dt, k कैप, ठीक है। तो v वेक्टर कितना हुआ, vx i कैप vy j कैप vz k कैप, ये लीजिए वेग सदिश निकल के आ गया, उसमें क्या x का एलिमेंट y का एलिमेंट और z का एलिमेंट। यदि परिमाण चाहिए तो वेरी सिंपल, vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर vz का स्क्वायर, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम चर्चा करते हैं त्वरण सदिश की, त्वरण सदिश क्या होता है, वेक्टर इज इक्वल टू डीबी अपॉन डी टी, ए वेक्टर डी अपॉन डी टी, वी वेक्टर कितना था वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप vz k कैप, यही था।
तो ये वेक्टर कितना हुआ, डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप, डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप, डी वी जेड अपॉन डी टी के कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर कितना निकला, देखिए इधर ये हो गया ए एक्स आई कैप, ये पूरा, ये क्या हो जाएगा उसी प्रकार से ए वाई जे कैप, ये क्या हो जाएगा ए जेड के कैप। और यदि मुझे परिमाण निकालना हो तो हम जानते हैं परिमाण के लिए हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, डन कंप्लीट। निकाल लीजिए, निकालना नहीं है बेटा, उतारना है इसको। ओके, अगली हम बात करते हैं यहीं पर ही बल सदिश की। बल सदिश F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम ए वेक्टर एम ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। तो यहाँ क्या हुआ, एम ए एक्स आई कैप एम ए वाई जे कैप एम ए जेड के कैप, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। ओके, अगले टॉपिक की हम बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है सदिश की समता, सदिशों की समता। हेडिंग डाल दीजिए अब हम इसको समझेंगे। ये टॉपिक भी आपकी बुक में बहुत थोड़ा सा दे रखा है, बीच में लटका रखा है बिल्कुल टॉपिक, ना तो ठीक से समझा ही रखा है ना ही उसको अधूरा छोड़ रखा है, बीच में लटका दिया उस टॉपिक को। तो हमें आगे की थ्योरी भी बतानी पड़ेगी, पीछे की भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, सदिशों की समता का मतलब होता है सदिशों की समानता, कि दो सदिश कब समान हो सकते हैं। अब कोई चीज कब समान हो सकती है, जब वो परिमाण में भी समान हो और दिशा में भी समान हो। सदिश बोल रहे हैं ना, तो परिमाण भी समान होना चाहिए और दिशा भी समान होनी चाहिए। देखिए इस टाइप से, ए और बी समान सदिश होंगे कब, जब ये परिमाण में भी समान है और दिशा में भी समान है। परिमाण भी देखो दोनों का बिल्कुल बराबर और दिशा भी एक ही दिशा में है। तो लिखिए, दो सदिश कैपिटल ए एंड कैपिटल ए और कैपिटल बी केवल तभी समान कहलाते हैं जब वे परिमाण व दिशा में अर्थात दोनों में समान हो। डायग्राम बनाओ,
ठीक है, ये तो हो गए समान सदिश। अब असमान सदिश क्या होता है? देखिए दे तो नहीं रखा है लेकिन हम बताना जरूरी समझते हैं इसलिए आपको बताएंगे। असमान सदिश, असमान सदिश ये होता है कि परिमाण में तो समान हो, परंतु दिशा अलग हो। तो हेडिंग डाल दीजिए असमान सदिश। इसमें ये कभी भी नहीं हो सकता कि दोनों ही, मतलब असमान ये इस तरीके से हो सकता है कि या तो परिमाण समान हो, दिशा अलग हो, या परिमाण मतलब दोनों चीज अलग अलग हो। देखो इस टाइप से तीन केस होते हैं, परिमाण और दिशा, या तो परिमाण समान दिशा अलग, या परिमाण अलग दिशा समान, या दोनों ही अलग। ठीक है, दोनों ही अगर समान हो जाएंगे तब तो वो समान सदिश हो जाएगा। तो लिखिए दो सदिश कैपिटल ए और कैपिटल बी असमान सदिश कहलाएंगे, जब ए पॉइंट डालना स्मॉल ए, परिमाण समान व दिशा अलग, सेकंड परिमाण अलग व दिशा समान, पॉइंट थर्ड मतलब सी परिमाण और दिशा दोनों ही अलग हो, परिमाण और दिशा दोनों ही अलग हो। ठीक है, और ये डायग्राम बना लो। नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, अब विपरीत सदिश क्या होता है? विपरीत अपोजिट। तो देखिए ये दो वेक्टर है, परिमाण तो इनका समान लेकिन दिशा विपरीत हो, एक इधर और एक इधर, अलग वाली चीज तो अलग होती है स्प्लिट एंड्स वाली, ये है ऑपोजिट। तो लिखिए दो सदिश कैपिटल ए और कैपिटल बी विपरीत सदिश कहलाते हैं, जबकि वे परिमाण में समान, वे परिमाण में समान व दिशा में विपरीत हों, व दिशा में विपरीत हों। ठीक है, तो यहां पर ये सदिशों की समता वाला जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अब हम अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं, सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा। सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा, तो लिखिए इसके अंदर पहले लिखो फिर समझाते हैं। यदि एक सदिश ए को किसी धनात्मक संख्या लैम्ब्डा से गुणा किया जाए तो सदैव सदिश राशि ही प्राप्त होती है, सदैव सदिश राशि ही प्राप्त होती है, तथा जिसकी दिशा वही होती है जो कि, तथा इसकी दिशा वही होती है जो कि कैपिटल ए की है, कैपिटल ए की है। Thank you.
ठीक है, ये क्या कह रहा है कि यदि ए कोई सदिश राशि है, ठीक है, क्या होगी, फाइव आई कैप या फिर कुछ भी दे दो, हाँ चलो फाइव आई कैप दे दिया। वास्तविक संख्या यहाँ पर क्या ली है अपन ने, लैम्बडा, इसको बोलते हैं लैम्बडा, ठीक है, तो इनका गुणन क्या होगा, लैम्बडा ए वेक्टर, मतलब फाइव लैम्बडा ए वेक्टर आई कैप। दिशा जो है वो कौन सी दिशा हुई, आई कैप, आई कैप वाली दिशा किसके अंदर, ए वेक्टर के अंदर, नोट कर लो इसको। अब लैम्बडा यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 जो भी आप अंक जानते हैं, लैम्बडा कुछ भी हो सकता है, और सदिश राशि ही प्राप्त होगी, ये चीज का भी नोट करना, ध्यान रखना। अगली हेडिंग, सदिशों का संकलन व व्यवकलन। सदिशों का संकलन व व्यवकलन, इसके अंदर पहला नियम डालिए आप, त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम, सदिशों के संकलन व्यवकलन में पहला नियम डालिए, त्रिभुज का नियम। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी, डायरेक्शन की बात की जाए तो इसमें जो ये संकलन व्यवकलन वाली त्रिभुज की बात हो रही है, इसके अंदर दो, इसकी तीन भुजाएं हैं, उसमें दो भुजाओं की दिशा समान होनी चाहिए, देखिए ए टू बी, बी टू सी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पी वेक्टर और इसको हम बोलते हैं क्यू वेक्टर। लेकिन जो तीसरी भुजा है उसकी दिशा विपरीत होनी चाहिए, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे आ रहा था, अब ऐसे जाना चाहिए था इसको ऊपर की ओर, लेकिन ये गया कैसे, नीचे, तो विपरीत होता होनी चाहिए, तो जो विपरीत वाली भुजा है आर वेक्टर उसका मान दोनों समान दिशा की भुजाओं के योग के बराबर होता है। आर वेक्टर क्या होगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ओके, तो लिखिए त्रिभुज का नियम, त्रिभुज के नियम के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान दिशा में हों तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में दोनों समान भुजाओं के योग को दर्शाती है, योग को दर्शाती है। अब देखिए इस बुक में कितने गंदे तरीके से चीजें दी हुई है, कुछ भी क्लियर नहीं दे रखा है, सारा कुछ फैला के रख दिया है मैडम, इसमें ढूंढ ढूंढ के काम कराना पड़ेगा, कुछ अपने हिसाब से काम कराना पड़ेगा आपको, ठीक है, कराएंगे, घबराओ मत, और ये डायग्राम बना लो पूरा, अब देखिए नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज का नियम।
नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए समांतर चतुर्भुज का नियम। एक सेकंड, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तब हम समांतर चतुर्भुज के नियम की बात करते हैं, समझा देते हैं आपको। ये पहले हेडिंग डाल लो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है समांतर चतुर्भुज के नियम के अंदर। ये कोई समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इससे पहले ये दो भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं जिन्हें हम बोलते हैं, ए बी। ठीक है, या फिर इनको अभी नामकरण बाद में दे लेंगे, ये पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर। ठीक है, अब देखो यदि इनको वहां से आगे बढ़ाते हैं, इन दोनों को समांतर करते हैं, इसकी डायरेक्शन इसमें है, इसकी डायरेक्शन भी ऐसे होगी, ये पी वेक्टर तो ये भी पी वेक्टर होगा। फिर हम इसके बराबर करते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन भी इधर होगी, ये क्यू है तो ये भी क्या होगा क्यू। ए बी सी और डी, ये है कोई भी एक विकर्ण बना दो, एक विकर्ण मैंने बना दिया ए सी विकर्ण, इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी। आसन भुजाओं की एक पॉइंट से निकलने वाली विभिन्न भुजाएं, या फिर तीन भुजाएं, या तीन से दो या दो से अधिक भुजाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, निकलती हैं, उन्हें हम आसन भुजाएं कहते हैं। इस टाइप से डायग्राम बनता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर दो त्रिभुज आपको देख रहे हैं, एक लोअर ट्राइंगल और एक अपर ट्राइंगल। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, बताइए बच्चों, ये तो आर वेक्टर है, ए बी की और बी सी की दिशा एक ही है या नहीं है, है ना, ऐसे जाके ऐसे आ रहे हैं, तीसरी ऐसे होनी चाहिए थी लेकिन कैसे है ऐसे, तो जो आर वेक्टर है वो क्या होगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर देखिए त्रिभुज अपर ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में क्या हो रहा है, ये और ये समान दिशा में है, अब इसको ऐसे आना चाहिए था लेकिन ये जा रहा कैसा है ऐसे, तो ये विपरीत वाली हो गई। आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर, समीकरण नंबर दो। तो हम यहां क्या देख रहे हैं, समीकरण एक व दो से पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर, मतलब जब हम चीजों को जोड़ रहे हैं तो क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम, देखो एक बार इसकी हेडिंग उतार लो और फिर मैं आपको ये पूरा लिखाती हूं। लिखिए, इस नियम के अनुसार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को क्रमशः दो सदिशों के परिमाण व दिशा के रूप में व्यक्त किया जाए, तब उनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है, परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। नोट कर लीजिए बेटा पूरा, ये जरूर पूछा जाता है क्रम विनिमयता का नियम क्या होता है। तो क्या लिखोगे, दो सदिशों को
जोड़ने पर तथा उनका क्रम बदलने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यही उस क्रम भिन्नता का नियम है। नोट कर लीजिए। सहचारिता का नियम, देखो ये तो क्रम भिन्नता का नियम है, आपको एक सहचारिता का नियम भी होता है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। ये तो दो चीजों का था, यदि ए और बी के साथ लिए तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये है क्रम भिन्नता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम जब हम दो चीजों को लेके कर रहे हैं, लेकिन यदि इसमें तीसरी चीज जोड़ी जाए तो ये बोलेगा ए और बी को जोड़ के सी को जोड़ा जाए, या ए को अलग रख के पहले बी और सी को जोड़ा जाए, तब भी जो मान है वो कैसे रहेंगे, समान रहेंगे, जोड़ में तो समान ही रहेंगे, कोई अंतर होगा ही नहीं। तो ये वाला जो नियम है सहचारिता का नियम है, सहचारिता का नियम, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, शून्य सदिश। शून्य सदिश हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए इसके बारे में कि शून्य सदिश क्या होता है। शून्य का मतलब क्या होता है, जीरो। तो लिखिए जब किसी सदिश का परिमाण शून्य होता है तब इसे शून्य सदिश कहा जाता है, तब इसे शून्य सदिश कहा जाता है, ओके। नोट डाल के लिखिए, क्योंकि शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है अतः इसकी दिशा का निर्धारण भी नहीं किया जा सकता है। हेडिंग डाल दीजिए सदिशों का व्यवकलन। क्या डलेगी नई हेडिंग, सदिशों का व्यवकलन। अब तक तो जोड़ रहे थे, अब घटाएंगे, तो घटाने में क्या डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे जिसको, तो लिखिए सदिशों के योग के रूप में भी सदिशों के व्यवकलन को परिभाषित किया जा सकता है। दो सदिशों कैपिटल ए व कैपिटल बी के अंतर को कैपिटल ए व माइनस कैपिटल बी के योग के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो त्रिभुजों के नियम के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे करते हैं, त्रिभुजों का नियम
इसके अकॉर्डिंग कैसे लगेगा? सिर्फ समझने के लिए लिखना नहीं है, इसमें त्रिभुज का नियम कैसे लगेगा? अब तक कैसे लग रहा था? इस टाइप से लग रहा था, ए वेक्टर, बी वेक्टर और यहाँ पर ये आर वेक्टर है, ठीक है, ये पी क्यू गलत दे दिया, इसको दे दो पी वेक्टर, ए और बी वाला बताया है ना आपको, तो रुक जाओ इनको मत दो कुछ भी, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अब तक क्या था, ए की डायरेक्शन ऐसे और बी की डायरेक्शन ऐसे, तो आर वेक्टर की इस टाइप से होनी चाहिए और ये होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही था। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि माइनस में हमें दिखाना है, तो जो बी वाले हैं इसकी डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ेगी, ऐसे तक डायरेक्शन कैसे हो गई, ऐसे, तो ये उल्टा हो गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बस इस टाइप से चेंज हुआ है। बी की डायरेक्शन इधर थी, उल्टा कर दिया तो इधर हो गई, तो मैग्नीट्यूड है मतलब कि जो रिजल्टेंट है वो भी उल्टी डायरेक्शन में हो गया। देखो इसकी डायरेक्शन सेम और इसको ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है ये। एग्जाम्पल नंबर 4.1 क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है ये बारिश वाले क्वेश्चन है, बारिश और छाता वाले है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4.1, किसी दिन वर्षा 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है, वर्षा इस टाइप से गिर रही है 35 मीटर पर सेकंड, कुछ देर बाद हवा 12 मीटर पर सेकंड से पूरब से पश्चिम चल रही है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब से पश्चिम ये रहा विंड, हवा 12 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। बस स्टॉप पर खड़े किसी लड़के को अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए, बरसात की दिशा में, क्या निकालना है परिमाण, क्या निकालना है परिमाण, तो किस दिशा में रखना चाहिए इसके लिए पहले परिमाण निकालते हैं, वी आर का स्क्वायर वी डब्ल्यू का स्क्वायर कितना हुआ, 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, करो इसको सॉल्व, इसका आंसर आ रहा है 37 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन, ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डायरेक्शन के लिए टेन थीटा, एंगल को इधर रखेगा तो आप इसको अच्छे से बना सकते हो, देखो ये एंगल थीटा हुआ, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा वी डब्ल्यू अपॉन वी आर, वी डब्ल्यू कितना है 12, वी आर कितना है 35, तो आप इस आंसर को यही छोड़ दोगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 12 अपॉन 35। ध्यान रहे टेन का मतलब क्या होता है, लाल बटे कक्का से निकालोगे आप परपेंडिकुलर, देखो थीटा के सामने होती है परपेंडिकुलर, ये रहा 12 अपॉन बेस, 90 के सामने तो परपेंडिकुलर होती है तो बेस तो यही बची, आधार ये तो कर्ण हुआ तो अपन ने 35 लिख दिया। इस टाइप से एंगल बना के इसको लिखना है, सॉल्व करना है, ये नोट कर लीजिए, इसका पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर इसे सॉल्व कराना होगा तो आपको वैल्यू खुद देगा वो लिख के। सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन,
क्या होता है सदिशों का वियोजन। सदिशों को अपने अपने घटकों के अंदर सुनियोजित रूप में तोड़ना या अलग अलग विस्थापित कर देना, इसको ही सदिशों का वियोजन हम कहते हैं। दोबारा सुनिए, सदिशों का वियोजन मतलब कि सदिशों को अलग अलग घटकों के रूप में अलग करना या उनको सुनियोजित ढंग से अलग अलग कर देना, अलग अलग रूप में स्थापित कर देना, विभक्त कर देना, ये सब सदिशों का वियोजन कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम किस टाइप से देखते हैं, लिखिए डेफिनेशन ढंगी से, डेफिनेशन देखते रुको। डेफिनेशन लिखिए अब इसकी, जब या फिर ऐसे लिखिए माना, स्मॉल ए बाय स्मॉल वी, बुक की ही लिखवाते हैं आपको लैंग्वेज, ठीक है। माना स्मॉल ए बाय स्मॉल वी किसी समतल में भिन्न भिन्न दिशाओं वाले दो शून्येतर सदिश हैं। शून्येतर के ब्रैकेट में लिखना शून्य नहीं, शून्य नहीं है मतलब कुछ और है इनका मान। तथा ए इनकी, ए कैपिटल ए इनकी विपरीत दिशा में अन्य सदिश है, विपरीत दिशा में अन्य सदिश है, तब तब देखिए ये आपको दिया हुआ है स्मॉल ए स्मॉल बी, इनका कोई भी घटक मान लो ये लैम्डा हो गया, ये म्यू हो गया, ठीक है। और ये इनकी दिशा तो सेम है और ए इनकी विपरीत दिशा में है कोई, तो ए कितना हुआ लैम्डा ए प्लस म्यू बी, ओके। तो ये अलग अलग घटकों में वियोजित हो गए ना, अलग अलग घटकों में हमने इनको तोड़ दिया, तो यही क्या है सदिशों का वियोजन है। सदिशों का संयोजन ही सदिशों का वियोजन है अगर एक टाइप से देखा जाए तो। वही त्रिभुज नियम से बात कर रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए, ये सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दिया गया है ये टॉपिक, ना ही इसको ढंग से डिस्क्राइब किया हुआ है। हेडिंग डालिए एकांक सदिश, ये नोट करने के बाद एकांक सदिश, एकांक मतलब जिसका मान क्या हो वन हो, तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाते हैं। और ये दिशा में क्या काम आते हैं, जैसे आई कैप जे कैप के कैप, ये सब एकांक सदिश हैं। तो लिखिए एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण एक हो तथा जो किसी विशेष दिशा के अनुदेश हो, जो किसी विशेष दिशा के अनुदेश हो, न तो इसकी कोई विमा होती है और ना ही मात्रक, न तो इसकी कोई विमा होती है और ना ही इसका कोई मात्रक, ये सब एकांक सदिश हैं जितनी भी डायरेक्शन आपको दी हुई है। एक मिनट का आपको ब्रेक दे रहे हैं, ठीक है। लिख दो आई कैप जे कैप के कैप, ये सब क्या है एकांक सदिश हैं। आज तो बच्चे दुखी हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्लास लंबी चल रही है, आपको बताया नहीं गया कि आज क्लास लंबी चलने वाली है, बट मैंने आपको हिंट तो दी थी ना
ठीक है, माहौल की बात है, अपने कोर्स की बात है, क्लास लंबी लेनी पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको एक दिन में करके बैठ जाए, ये आपकी फ्रीडम है। क्लास आप तक पहुंच जाएगी, आप इस क्लास को पर डे 25-20 मिनट के हिसाब से भी पढ़ेंगे तो भी आपका 3 क्लासेस का काम हो जाएगा। 3 की अभी तो हम वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं अभी आगे कितनी लंबी में क्लास हो, तो ये आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जितना आप पढ़ना चाहे पढ़े, अगले दिन के लिए रख दें उस मैटर को, ठीक है। हमें तो क्लास देनी है क्योंकि काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत हार्ड स्टडी कर रहे हैं डिफिकल्ट ग्रुप में, ठीक है, तो उन तक रोज वीडियो नहीं पहुंच पाती है, तो उन बच्चों तक वीडियो पहुंच जाएगी तो आपका काम भी इजी हो जाएगा और उनका काम भी इजी हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या बोले, आपको बोल रही थी मैं ये कि यदि आप इस वीडियो को एक दिन में देख भी लेते हैं तो बाकी अदर सब्जेक्ट पे आप ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। तो अभी तो पता नहीं है ना स्कूल आपके कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, हमें कुछ नहीं पता है स्कूल के मामले में, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं बेसिक लेवल पे, रोज के लेवल पे, चाहे स्कूल खुले चाहे स्कूल ना खुले। आपको फिजिक्स विजन 444 पर मेरे द्वारा पूरी की पूरी क्लास की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी विद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल डेरिवेशन और थ्योरी, ये मेरा आपको प्रॉमिस है, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। एकांक सदिश हो गया, अब कोई काम का टॉपिक लेते हैं हम। नोट डाल के लिखिए, घटकों में वियोजित करना, घटकों में वियोजित करना, देखिए इसको हम किस टाइप से करते हैं। देखिए बेटा इसमें क्या हो रहा है, सॉरी वो रसोई क्या है पास में है तो वो खाना बन रहा है हमारे, ठीक है। घटकों में वियोजित करना, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए समतल की बात कर रहे हैं तो ए वेक्टर हम ले लेते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यहाँ पर यदि घटकों की बात की जाए तो ए एक्स जो लिया जाएगा वो ए कॉस थीटा के माध्यम से लिया जाएगा और ए वाई जो लिया जाएगा वो ए साइन थीटा के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। तो ए कितना हुआ, इसको हम देते समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, तो फिर हम लिखेंगे समीकरण एक व दो का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़े तो जोड़िए ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर बराबर, इसको स्क्वायर कीजिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बचा ए एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, क्या बाहर निकाला हमने ए स्क्वायर, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या हो रहा है ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर और ये है यहाँ पर ए का स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, तो ए कितना हुआ यहां से और ये चीज तो आप जानते हैं जब किसी भी चीज का परिमाण निकाला जाता है तो हम इसी टाइप से निकालते हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि दो चीजों के परिमाण के लिए हम किस टाइप से करेंगे और तीन के लिए किस टाइप से करेंगे, तो पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। आराम से सीटियों की आवाज सुनो, काउंट कर लेना 3 सीटी हो गई है अभी तक, ठीक है। जिनको खाना बनाना आता है उनको तो पता चल रहा होगा क्या बन रहा है, 3 सीटियों पे क्या उगलता है, 4 पे क्या उगलता है ना,
सारा प्रेशर फिजिक्स का यही लगा देना आप, दिमाग लगाने में कि क्या बन रहा है। और कमेंट मत करना लेकिन, है ना, क्योंकि कमेंट करने पे तो प्रॉब्लम आ जाती है आपको। ऐसे नहीं कि हाँ आप अप्रिशिएट करना चाहिए, मैम मेहनत तो कर ही रही है, आपको क्लास तो दी जा रही है पूरी, ना ही थ्योरी के लिए डोलना पड़ता है, ना ही आपको थ्योरी व्हाट्सअप करनी पड़ती है, ठीक है, सब कुछ यहीं पे एज ए लाइव क्लास ही चल रहा है आपका सिस्टम, लेकिन नहीं हम कमेंट क्यों करेंगे यार, हमको सपोर्ट मिलता है, कम से कम शेयर किया करो, हम आपकी वजह से ये जो कुछ भी है और आपकी वजह से ही चलने वाले हैं। एक डॉक्टर हमेशा पेशेंट की वजह से आगे बढ़ता है और एक टीचर हमेशा स्टूडेंट की वजह से आगे बढ़ता है। अब देख लीजिए डॉक्टरों के तो बल्ले बल्ले हो गई है कोरोना में, और टीचर्स के हाल बेहाल हो गए इस कोरोना में, है ना। नोट कर लिया बेटा ये, करो करो इसको नोट करो, आराम से नोट कर लो। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखिए इसको यहां से इरेज करते हैं। अब यहां लिखोगे आप वो करने के बाद, उसी के नीचे लिखना है समीकरण दो में समीकरण एक का भाग देने पर, समीकरण दो में समीकरण एक का भाग देने पर दीजिए ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, क्या हुआ टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। बस निकल गई डायरेक्शन, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, इसके लिए अगर डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया जाए तो डायग्राम कौन सा बनाओगे आप। देखो यदि इसके लिए डायग्राम के लिए बोल दिया जाए, वैसे तो जब आपसे पूछा जाए ये दो घटकों का वियोजन, तब डायग्राम इस टाइप से बनेगा। देखो ये ए एक्स है, ये ए वाई है, ये ए है और ये एंगल है थीटा, तो ये तो हो जाएगा ए वाई जे कैप और ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप, ठीक है। ये डायग्राम भी बना लेना, डायरेक्शन लगानी पड़ेगी इसके अंदर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसी प्रकार इधर इधर सेम और ये वाली सेम, कुछ भी चीज नहीं छूटी चाहिए कि नंबर कट जाए अपने। फिर आपको तीन घटकों में दिया हुआ है, ठीक है, लिखना तो डायरेक्ट ही है तीन घटकों का भी, लेकिन लिखते हैं, ठीक है, और बाकी आपका जो बाद में जो टॉपिक दे रखा है ये तो किसी काम का ही नहीं है। तो तीन घटकों में क्या लिखोगे, लिखिए त्रिविम घटकों के लिए, त्रिविम घटकों के लिए, ये तो द्विम के लिए था, त्रिविम के लिए आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। त्रिविमीय घटकों में वियोजन, तो क्या करें जो परिमाण जो ए आएगा वो क्या आएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और जो इसका परिमाण होगा वो होगा इस टाइप से। इसकी बेटा कोई दिशा नहीं होती है,
क्योंकि जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है इनके अंदर। एक्स और वाई के बीच में हो गई, वाई और जेड के बीच में, जेड और एक्स के बीच में, ठीक है। तो डायरेक्शन अलग अलग होती है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका और इसका परिमाण बस यही पूछा जाएगा। बाकी आपको जो इसने एंगल वगैरह दिए हुए ये आपके काम के है ही नहीं है, तो आप इस टॉपिक को नहीं करोगे, यही पे कर दोगे इसको कंप्लीट। फिर सतीशों का योग दिया हुआ है, ये भी हमने करा रखा है आपको। एग्जाम्पल नंबर 4.2 एक अपना ऑटोमेटिकली डेरिवेशन है ये। एग्जाम्पल नंबर 4.2 एक डेरिवेशन है, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो इसकी हेडिंग डाल दीजिए। इसकी हेडिंग डलेगी दो सदिशों का परिमाण व दिशा ज्ञात करना, दो सदिशों के परिमाण व दिशा का ज्ञात करना। इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए इस टाइप से हम लेते हैं, ये ओ पॉइंट होता है, ये पी पॉइंट होता है, और ये कितना होता है डायरेक्शन में, क्यू पॉइंट होता है। ठीक है, ये देखिए इसी टाइप से होगी इसकी डायरेक्शन। ये हमने माना बी और ये हमने माना है ए, ठीक है। और ये हमने इसका मैग्नीट्यूड मान लिया है, मतलब कि विकर्ण, ये एस पॉइंट और यहां पर एक एंगल, एम पॉइंट, और ये जो पूरी है ये आर है। यहां से हम इसके ऊपर एक लंब डालेंगे और इसको हम आगे बढ़ा देंगे। देख लो डायग्राम कैसे बनेगा, ये है एन पॉइंट, यह है 90 का एंगल और यह है थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम बनाया आपने, ये ए है ये बी है, तो ध्यान रखें ये ए और ये बी है उसी टाइप से, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी है तो ये भी पूरी बी होगी। ठीक है, अब डायग्राम बनाइए सबसे पहले आप फटाफट से, और लिखिए माना। अच्छा डायग्राम बना रहे हो कि अभी बनाओ? माना ओपी तथा ओ क्यू, ओपी तथा ओ क्यू दो सदिशों ए तथा बी को व्यक्त करते हैं। जिनके बीच का कोण थीटा है। अब देखिए सारा आंसर आपको आर P और Q के फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज O N S में, O N S में, O S का स्क्वायर इज इक्वल टू O N का स्क्वायर प्लस S N का स्क्वायर, यही होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चित्र से
ओ एन इज इक्वल टू क्या है, ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन, समीकरण नंबर दो। ठीक है, समीकरण नंबर दो हो गया। अब लिखो समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, रखिए ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन की जगह ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर, तो कितना हुआ ओ पी का स्क्वायर पी एन का स्क्वायर टू ओ पी पी एन प्लस एस एन का स्क्वायर, समीकरण नंबर थ्री। देखिए ओ एस आर होता है तो ये तो काम का है, ओ पी ए होता है ये भी काम का है, पी एन हमको नहीं पता, एक तो हमें मतलब पी एन निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ओ पी काम का है और एस एन काम का नहीं है, हमें सिर्फ ये तीन चीज ही काम की है, इसके बाद ये कुछ भी काम का नहीं है क्योंकि हमें आंसर आर पी और क्यू में चाहिए। फिर देखिए त्रिभुज पी एम एस में क्या होगा, पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर प्लस एन एस का स्क्वायर, समीकरण नंबर चार। देखिए पी एन का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर, पी एस का स्क्वायर आ जाएगा, पी एस कितना है बी, तो ये भी काम आ जाएगा। समीकरण चार का मान तीन में रखने पर, रखिए ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर टू ओ पी पी एन। अब देखो ओ एस कितना है आर, ओ पी कितनी है ए, पी एस कितनी है बी, ओ पी ए, पी एन हमको पता नहीं, पी एन निकालना है। फिर से इक्वेशन नंबर इसको हम देंगे पांच, जो जो चीज नहीं चाहिए ना उसको निकालो। अब देखो पी एन हमको नहीं चाहिए और हमें बी की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो पी एन क्या है आधार और ये क्या है कर्ण, त्रिभुज पी एन एस में। अब आधार और कर्ण किस में आता है, लगाओ लाल बटे कक्का, आधार और कर्ण कॉस में आ रहा है तो कॉस थीटा निकाल लो यहां से, आधार कितना है पी एन, कर्ण कितना है पी एस, तो पी एन इज इक्वल टू क्या हो गया पी एस कॉस थीटा, समीकरण नंबर छह। ठीक है, डायग्राम तो बना चुके हो ना, तो डायग्राम को हम इरेज कर रहे हैं। डायग्राम को रेज कर देते हैं, परिमाण निकालते हैं, फिर हम इस क्लास को ऑफ कर देंगे। ठीक है, आपको भी ज्यादा समस्या नहीं होगी। समीकरण छह का मान समीकरण पांच में रखने पर, समीकरण छह का मान समीकरण पांच में रखने पर देखो ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर पी एस का स्क्वायर टू ओ पी पी एन की जगह पी एस कॉस थीटा। अब देखो ये हो गया आर का स्क्वायर पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर टू पी क्यू कॉस थीटा, आर कितना हुआ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस थीटा। तो बेटा ये तो सिर्फ परिमाण निकला है, अभी कहानी अभी बाकी है, दिशा के लिए भी, इसके केसेस के लिए भी, तो इसको आप फटाफट उतारिए एक बार। इसको फटाफट से उतार लीजिए, इसके बहुत अच्छे से रिवीजन करना, फिर हम इसकी नेक्स्ट चीजों को रिवेल करेंगे कि और क्या क्या चीज हमें करनी चाहिए। इंजॉय करना क्योंकि अब तो आपकी क्लास, इस क्लास के बाद दो से तीन दिन बाद ही मिलेगी आपको। ठीक है।
थैंक यू बच्चों।